हेलो एवरीवन, आरएसएमएसएसबी यानी राजस्थान जूनियर इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पे जिस स्ट्रीम को डिस्कस कर रहे हैं वो है सिविल इंजीनियरिंग, और क्लास 1 to 7 ऑलरेडी हो चुकी है, जिसके अंदर हमने सर्वे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है और सॉम की भी एक क्लास हो चुकी है। ये सॉम की सेकेंड क्लास है, जो टोटल क्लासेज है उसमें क्लास 8 नंबर की है। आज क्लास 8 के अंदर सॉम के जिन टॉपिक्स को हम शेयर करेंगे आपके साथ या जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन शेयर करेंगे, वो टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। वो है इलास्टिक कांस्टेंट, सिंपल एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन। दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है जेईएन के हिसाब से, ठीक है। छोटे क्वेश्चन बनते हैं इनको, इन टॉपिक्स के अंदर से छोटे छोटे न्यूमेरिकल एंड वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। डिटेल सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ जिन इन टॉपिक्स के अंदर से आपको क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है हुक्स लॉ, देन पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पॉइजन रेशो भी आपको याद रखनी है, कंक्रीट के लिए, ग्लास के लिए, ठीक है ना। देन उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में आपको पढ़ना है, वेरियस इलास्टिक कॉन्स्टेंट, इलास्टिक बल्क एंड शेयर मॉडुलस, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इनसे रिलेटेड फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देन फॉर्मूले फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बार्स, यूनिफॉर्म सेक्शन, स्टेप बार, टेपर्ड बार, सर्कुलर बार, जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं 4PL, पाई, D1, D2, इस तरह के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। देन स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट बार्स के बारे में आपको पढ़ना है। कंपोजिट बार को जरूर पढ़ना है, क्योंकि कंपोजिट बार से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी लिया है और क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। देन टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है स्ट्रेस के ऊपर, उससे रिलेटेड फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखने होंगे। उसके बाद मैं आता हूँ प्लेन स्ट्रेस के ऊपर। तो प्लेन स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल प्लेन्स, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होता है, मोर सर्किल का फंडामेंटल क्या है, हम जो रेडियस है वो कैसे मेजर करते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और मैक्सिमम शेयर प्लेन कौन सा है, उसको कैसे शो करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। ओके, सो इस क्लास का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टोटल इलोंगेशन ऑफ ए बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन प्रोड्यूस अंडर इट्स ऑन वेट, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा है, इट्स ऑन वेट, ओके, टू द इलोंगेशन प्रोड्यूस बाई एन एक्सटर्नल लोड इक्वल टू वेट ऑफ द बार वुड बी। मतलब दो केसेस के अंदर इलोंगेशन आपको फाइंड करना है। एक केस है जबकि बार के सेल्फ वेट की वजह से इलोंगेशन है, तो सेल्फ वेट की वजह से इलोंगेशन होता है वो कितना होता है, WL/2AE, ठीक है, और एक्सटर्नल वेट की वजह से जो इलंगेशन होता है कितना होता है, WL/AE, और आपसे पूछा क्या है, Δ1/Δ2, यानी दोनों इलंगेशन का रेशियो पूछा है। इजी क्वेश्चन है ये, देखिए यहाँ पे ये हमने लिख दिया यहाँ पे, और दोनों का रेशियो यानी 0.5 आंसर आ गया, फाइन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 2, इफ ए मटीरियल स्ट्रिक्टली फॉलो हुक्स लॉ विद इन द रेंज ऑफ पॉइजन्स रेशियो ऑफ 0 to 0.5, ठीक है, द डिजायर रेंज ऑफ शियर मॉडुलस वुड बी। इसके लिए आपको शियर मॉडुलस, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला याद होना जरूरी है, ठीक है ना, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नॉर्मली इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे लिमिट दी है 0 to 0.5 μ की। इस क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि पॉइजन रेशियो की इस लिमिट को स्किप कर जाए, बट आपको 0 से 0.5 ही लिमिट लेके चलनी है पॉइजन रेशियो की, और उसी के अकॉर्डिंग शियर मॉडुलस की रेंज फाइंड आउट करनी है। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। तो शियर मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, G=E/2(1+μ). अब जो रेंज है वो 0 से 0.5 है, तो एक बार म्यू इक्वल टू 0 लिया, यहाँ से जी फाइंड आउट कर लिया E/2, क्योंकि यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0 रखा तो E/2 आ गया। दूसरी बार म्यू इक्वल टू 0.5 रखा तो ये 1.5 × 2 यानी E/3, तो इसकी रेंज क्या हो गई, E/3 से E/2 के बीच में, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास बी ऑप्शन। ई क्या है यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, फॉर ए कंपोजिट बार सिस्टम ऑफ लेंथ एल, चेंज इन लेंथ ऑफ द टू मेंबर्स आर सेम, दिस इज रेफर्ड एज। ये कह रहा है कि अगर एक कंपोजिट बार सिस्टम है, ठीक है, ये कंपोजिट बार सिस्टम है, उसमें दो बार्स है, एक बार ये है, ठीक है, और एक बार ये है, दोनों बार की जो लेंथ है वो सेम है, क्योंकि जो सिस्टम है उसकी लेंथ एल है यानी कॉन्स्टेंट है, तो जो चेंज इन लेंथ है इन दोनों बार के अंदर जो चेंज इन लेंथ है वो सेम होता है, ठीक है ना। हम इस फंडामेंटल को यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो ये पूछ रहा है कि ये जो सेम होता है वो किस कंडीशन से रेफर होता है ये चीज। इसका करेक्ट आंसर है कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन। कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग कंपोजिट बार के अंदर क्या होता है, Δ1 यानी इलोंगेशन इन फर्स्ट बार, P1L/A1E1 यानी PL/AE सिंपली, L दोनों के लिए कॉन्स्टेंट है, ये P2L/A2E2
यानी डेल्टा टू, ये सारे चीजें बराबर होंगी, यानी डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू होगा, इलोंगेशन बोथ द बार्स में सेम होगा, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड, ये आपको पता है कि बोथ द बार्स में सेम होगा, बट आपको कंडीशन का नाम नहीं पता, तो ये कंडीशन है कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन। ओके, अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, अ 2D स्ट्रेस एट ए पॉइंट इज गिवन बाय मैट्रिक्स, ऑल वैल्यूज शोन आर इन MPa, मेगा पास्कल, ठीक है, मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर MM2। तो ये आपको 2D स्ट्रेस मतलब क्या होता है, टू डायमेंशनल स्ट्रेस, एक्स एंड वाई डायरेक्शन मान लिया, तो सिग्मा एक्स एक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 100, टो एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 30, और सिग्मा वाई वाई की वैल्यू कितनी है 20। ओके, फाइंड करना है आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वुड बी, ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का जो जो डिफरेंस होता है, दिस डिवाइडेड बाय टू इज कॉल्ड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो सिग्मा वन सिग्मा टू निकालने पड़ेंगे, तो सिग्मा वन और सिग्मा टू इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई अपॉन टू प्लस माइनस रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई अपॉन टू होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पे टो एक्स वाई है वो क्या है, शेयर स्ट्रेस है, बाकी दोनों क्या है, नॉर्मल स्ट्रेसेज है। सबकी वैल्यूज रख दी, वैल्यूज रखने के बाद फाइनल आ गया 60 प्लस माइनस 50, तो सिग्मा 1 की वैल्यू तो 60 प्लस 50 से निकाली 110, और सिग्मा 2 की वैल्यू 60 माइनस 50 से निकाली, यानी 10 MPa। अब सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 निकालना है हमको, क्योंकि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, तो 50 MPa हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए। ओके, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अ प्रिज्मेटिक बार इज फास्टन बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स, रिजिड सपोर्ट्स के बीच में फास्टन है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी उसके अंदर चेंज इन लेंथ जीरो हो गई, टू रिजिड सपोर्ट्स ए एंड बी एंड सब्जेक्टेड टू द लोड एज शोन इन फिगर, ये है ए और बी, दो ये दोनों बेसिकली क्या है, रिजिड सपोर्ट है इस तरीके से, ठीक है, और जो लोड लग रहा है, ये तीन अलग अलग सेक्शन दिखा रखा है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर लेंथ का है, यहां पे जो लोड है वो 10 किलो न्यूटन है, ये 20 किलो न्यूटन है। द रिएक्शन एट सपोर्ट ए वुड बी, ए के ऊपर रिएक्शन क्या होगी फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक स्टैंडर्ड फंडामेंटल बता देता हूं, फिगर के हिसाब से आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 30 किलो न्यूटन है वो हमको दिख रहा है। सिंस सपोर्ट्स आर रिजिड, सो टोटल चेंज इन लेंथ, एक्चुअली क्या होता है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं, उससे हम फाइंड आउट करते हैं, बट वो सेम ही चीज अभी यहां पे आ रही है। सपोर्ट्स रिजिड है तो लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ जीरो होगी, मैंने बताया। अब किसी एक को भी पकड़ लेते हैं, हम आर ए को पकड़ लेते हैं, तो आर ए इंटू एल वन अपॉन ए, यही है चेंज इन लेंथ का मतलब, यानी डेल्टा माइनस ये वाला जो वो है लोड, वो कितना हो जाएगा, इस तरफ 10 माइनस आर ए लगेगा बीच के सेक्शन के ऊपर, और इस तरफ 10 माइनस आर ए लगेगा, राइट, तो हम लिखेंगे 10 माइनस आर ए इंटू एल टू अपॉन ए, और इधर कितना है लास्ट में आर बी है, तो आर बी इंटू एल थ्री अपॉन ए, ये हमने लिख दिया। L1, L2, L3 हमको पता है सारी वैल्यू, ये 10 है, 10 है, 20 है, सारी वैल्यूज रख दी, तो दूसरी इक्वेशन बन गई RA माइनस RB इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो RA और RB की वैल्यू आ गई। आपसे क्वेश्चन में RA पूछा है तो हम 17.5 किलो न्यूटन बोलेंगे, बट इट इज पॉसिबल कि वो RB भी पूछ सकता था, ठीक है, या दोनों पूछ सकता है, तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है क्वेश्चन को करने का, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 6, इन अ पर्टिकुलर मटीरियल इफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू द बल्क मॉडुलस देन द पॉइजन रेशियो वुड बी। देखिए, इसका फॉर्मूला है पॉइजन रेशियो इक्वल टू 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g, ठीक है ना, इसमें एक हो गया आपका बल्क मॉडुलस और एक हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दोनों आपको बराबर दे रखा है जी इक्वल टू के, ये वैल्यू यहां रख दी, तो आंसर आ गया 1/8, सिंपल फॉर्मूला बेसिस है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, द मटीरियल ऑफ ए रबर बलून हैज ए पॉइजन रेशियो ऑफ 0.5 इफ यूनिफॉर्म प्रेशर इज अप्लाइड टू बलून द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द मटीरियल वुड बी। जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है दिस इज इक्वल टू 3σ/E 1-2μ। मैंने आपको पहले ही बोला था स्टार्टिंग में कि सारे फॉर्मूले हमको ध्यान होने चाहिए, वहां ड्राइव करने का टाइम नहीं मिलेगा, एग्जाम में स्पीड मेंटेन करनी होती है, क्योंकि तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू 3σ/E हो गया, या 3σ इसलिए लिया हमने, अदरवाइज तो क्या होता है ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड होता, क्योंकि हम जो बलून है उसकी सरफेस यूनिफॉर्म है और उसकी सरफेस के ऊपर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड बराबर होंगे, यानी सिग्मा के बराबर हमने ले लिया, तो ये 3σ/E 1-2μ,
म्यू की वैल्यू आपको 0.5 दे रखी है, तो जैसे ही आप 0.5 रखेंगे जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा वो जीरो आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो गया जीरो, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वेरीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए क्रॉस सेक्शन 4D टू D। इफ एक्सटेंशन ऑफ द बार इज कैलकुलेटेड ट्रीटिंग इट एज ए बार ऑफ एवरेज डायमीटर देन द परसेंटेज एरर वुड बी। मतलब एक बार है, हम पहले उसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो टेपर टाइप है, 4D से D के बीच में वेरी कर रहा है। दूसरी बार हमें मान के चल रहे हैं कि उस बार का एवरेज डायमीटर यानी 4D प्लस D डिवाइडेड बाई 2 यानी 2.5D की एवरेज डायमीटर की बार है। तो दोनों केसेस, दोनों अलग अलग केसेस ले लिया, पहला तो ओरिजिनल केस है, दूसरा हमने उसको मॉडिफाई किया है, तो मॉडिफाई करने के बाद कितनी एरर आ जाएगी इलोंगेशन के अंदर वो हमको फाइंड आउट करना है। ओके, ये हमारे पास ऑप्शन है, समझ रहे, पहले केस के लिए। तो पहले केस के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है सर्कुलर बार में, 4PL πE D1 D2 होता है, यहाँ पे D1 4D दे रखा है, D2 D दे रखा है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। दूसरे केस के अंदर ये बोल रहा है कि एवरेज ले लेते हैं इसको, तो 4D प्लस D बाई 2 यानी 2.5D, और जब हम एवरेज ले लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, 4PL πE D2। ये D जो है एवरेज है, तो मैंने यहाँ पे D एवरेज ले लिया, एवरेज D एवरेज कितना है 2.5D, ये वैल्यू रखी, ये आ गया। अब 1 और 2 को कंसिडर करते हुए परसेंटेज एरर निकालते हैं, तो पहले इलोंगेशन माइनस सेकेंड इलोंगेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट इलोंगेशन, क्योंकि फर्स्ट हमारा ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल में कितनी एरर आई है वही हमको फाइंड आउट करना है। तो 1/4 माइनस 1/6.25/1/4 × 100, तो करेक्ट आंसर आएगा 36%, यानी ए ऑप्शन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, और बट कैलकुलेशन आपको इसमें टफ नहीं है, कैलकुलेशन कोई कैलकुलेटर की नीड नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे आपको एग्जाम में। इसको इसलिए इग्नोर मत कर जाना कि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको दिख रही है, कि मैंने समझाने के लिए आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया, नहीं तो ये एक दो स्टेप का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर। इन द मोर सर्किल फॉर स्ट्रेन, रेडियस ऑफ मोर सर्किल गिव्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेन, हाफ वैल्यू ऑफ मिनिमम शियर स्ट्रेन। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। डायरेक्ट थ्योरम है, रेडियस ऑफ मोर सर्किल इक्वल टू जो स्ट्रेन का डिफरेंस होता है मिनिमम स्ट्रेन का, वो उसका जो एवरेज होता है, इट इज कॉल्ड मोर सर्किल रेडियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। फॉर एनिसोट्रॉपिक मटीरियल द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिस्टिंक्ट इलास्टिक कॉन्स्टेंट वुड बी। देखिए, ये क्वेश्चन लेने का मेरा पर्पज ये है कि इसमें तीन चार कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं। अगर मटीरियल परफेक्टली इलास्टिक है तो इलास्टिक कॉन्स्टेंट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अगर एनिसोट्रॉपिक है तो कितना है, ऑर्थोट्रॉपिक है तो कितना है, ये तीन चार अलग अलग कंडीशन बनती है। इसमें मैंने एक कंडीशन एनिसोट्रॉपिक उठा ली है। इसका करेक्ट आंसर तो 21 है। कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। जो टोटल मैट्रिक्स के अंदर वेरिएबल्स होते हैं वो 36 होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ देखिए नीचे दिखा रखा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो मैट्रिक्स टेंसर होता है उसमें 36 होते हैं, और अलोंग द डायगोनल 6 होते हैं। तो जब हम इसमें एनिसोट्रॉपिक का केस करते हैं, तो एनिसोट्रॉपिक के अंदर क्या होगा कि जो इन दोनों का डिफरेंस होता है उसका हाफ प्लस जो डायगोनल है उसको हम ऐड कर देते हैं, तो 15 + 6 = 21। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है ना। इससे हमने 21 फाइंड आउट कर लिया। आप चाहे तो 21 डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। ओके, नॉन आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये आपको पता होगा। एक्चुअली क्या होता है, आइसोट्रॉपिक हम उसको बोलते हैं उस मटेरियल को जिसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी यूनिक है इन ऑल डायरेक्शन के अंदर, और एनिसोट्रॉपिक उसको बोलते हैं जिसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट है इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। दे शो नॉन होमोजीनियस बिहेवियर, द नंबर ऑफ इलास्टिक कॉन्स्टेंट इज 21। ओके, तो 21 कॉन्स्टेंट होते हैं एनिसोट्रॉपिक केस के अंदर, फाइन। मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट जो टोटल होते हैं वो 36 होते हैं, रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। कॉपर बार ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ इज फिक्स्ड बाय मींस ऑफ सपोर्ट एट इट्स एंड, सपोर्ट्स कैन यील्ड बाय 0.01 सेंटीमीटर, इफ द टेम्परेचर ऑफ बार इज रेज्ड बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 से 100 किया तो जो डेल्टा टी डिफरेंस है वो 100 - 0 यानी 100 हो गया, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर 100 हो गया। देन द स्ट्रेस इंड्यूस इन द बार फॉर थर्मल एक्सपेंशन, ये आपको अल्फा दे दिया 20 × 10⁻⁶, एंड ई की वैल्यू दे दी आपको 10⁻⁶ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इन वैल्यूज के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। टेम्परेचर स्ट्रेस का जो नॉर्मल फॉर्मूला है, ठीक है, वो है
अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, फाइन। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो ईल्ड है, ये ईल्ड जो ये कह रहा है कि सपोर्ट्स कैन ईल्ड बाई 0.017, अगर ये जीरो होता ना कोई इशू नहीं होता, तो आपका ये फॉर्मूला इसको यूज कर लेते हैं। लेकिन जब ये ईल्ड कर रहा है तो उसको हमको माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसको क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट को कंसिडर करने के लिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा, डेल्टा क्या है यहाँ पे, डेल जो दिखा रखा है वो क्या है, ईल्ड है, अपॉन एल इंटू ई। अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला है टेम्परेचर स्ट्रेस के लिए। तो सारी वैल्यूज रख दी हमने, डेल्टा टी, डेल्टा की 0.01 सेंटीमीटर है, एल की 20 सेंटीमीटर है, अल्फा 20 इंटू 10^-6 है, डेल्टा टी 100 है, एल 20 है, तो फाइनल आंसर आ गया 1500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक स्टेप इजी बना सकते थे, इसमें जो ईल्ड कर रखा है सपोर्ट्स कैन ईल्ड बाई 0.01 सेंटीमीटर उसको हटा देते हम, तो सिंपली आप अल्फा डेल्टा टी इंटू ई से फाइंड आउट कर लेते आंसर। ओके, तो करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इन टू डायमेंशनल प्लेन इफ टू स्ट्रेसेस करस्पॉन्डिंग टू प्लेन्स आर 10 एंड 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, देन वॉट वुड बी द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द पॉइंट वेयर शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम। जिस पॉइंट के ऊपर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है उस पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, दिस इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 होता है। यहाँ पे सिग्मा एक्स 10 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो 15/2 यानी 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, आंसर है। देखिए मैं आपको जब भी वीडियो, जिस दिन भी ऑनलाइन क्लासेस रिलीज कर रहा हूँ, जैसे आज कर रहा हूँ, तो मैंने कल ही आपको टॉपिक बता दिए कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ जो लोग मेरे साथ कंटिन्यू रन कर रहे हैं उनको वो टॉपिक पहले ही पढ़ने चाहिए जब मैं इस वीडियो को शो कर रहा हूँ उससे पहले, सो दैट कि आप मेरे साथ मतलब मैं इक्वली सॉल्व कर सके प्रॉब्लम्स को, आपको फॉर्मूले याद हो। अदरवाइज ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है जब तक कि आपको इसकी बैकग्राउंड थ्योरी नहीं पता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग पढ़ रहे हैं साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, इन द केस ऑफ यूनि एक्सियल स्ट्रेस द करस्पॉन्डिंग नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन वुड बी। देखिए यूनिएक्सियल स्ट्रेस का मतलब, यूनिएक्सियल स्ट्रेस का मतलब होता है कि सिंपल एक स्ट्रेस लग रहा है, चाहे सिग्मा एक्स, चाहे सिग्मा वाई, चाहे सिग्मा जेड। नॉर्मली हम सिग्मा एक्स को मानते हैं, बाकी को जीरो करते हैं, एंड शियर स्ट्रेस भी जीरो होगा, यानी ओनली वन मेजर स्ट्रेस होगा, वो होगा कौन सा, नॉर्मल स्ट्रेस होगा, और वो कौन सा होगा, सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई, कुछ भी हम मान सकते हैं, सिग्मा एक्स मान लेते हैं। इस केस के अंदर जो एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, ये पूछा है। तो इन दिस केस नॉर्मली क्या होता है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर नॉर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं यूनिएक्सियल स्ट्रेस, बाईएक्सियल में अलग हो जाएगा, यूनिएक्सियल में अलग हो जाएगा, तो यूनिएक्सियल में सिग्मा एक्स एक्ट करेगा, सिग्मा वाई को जीरो लिया, टो एक्स वाई को जीरो लिया। तो यहाँ पे मैंने तीनों फॉर्मूले के अंदर सिग्मा वाई की वैल्यू को जीरो पुट कर दिया। जैसे सिग्मा वाई की वैल्यू को पुट किया तो मेरे पास ई एक्स ई वाई ई जेड की वैल्यू आ गई। तो इनसे जो आंसर मेरा बन रहा है वो ए ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। ओके, यहाँ पे म्यू क्वेश्चन में भी लिखा है, वेयर ऑल सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, मतलब ई इलास्टिक मॉडुलस है, म्यू पॉइजन रेशियो है, सिग्मा स्ट्रेस है, सिग्मा एक्स स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन है, सिग्मा वाई स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन है। ओके, नाउ क्वेश्चन 14, एट अ पॉइंट इन स्ट्रेन मटीरियल टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेसेस आर 33.39 एंड 13.39 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इफ द रेलेवेंट शियर स्ट्रेस फॉर द प्लेन इज 5.77 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर देन द करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल प्लेन्स वुड बी। डेटा को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान डेटा है। देखिए जब भी हम प्रिंसिपल प्लेन फाइंड आउट करते हैं तो टेन टू थीटा पी ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, टू एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, सारी वैल्यूज रखी तो 0.577 आ गया, एंड वी नो दैट टेन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0.577। तो यहाँ पे टू थीटा पी इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री, तो थीटा पी 15 डिग्री हो गया। तो दो प्लेन कौन से हो गए प्रिंसिपल प्लेन, एक 15 डिग्री प्लस एक 180 डिग्री इसमें ऐड कर देंगे, यानी थीटा पी दूसरा प्लेन हो जाएगा, थीटा पी प्लस 180 डिग्री, तो यानी 15 डिग्री एंड 195 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, फॉर ए प्लेन ऑफ टू डायमेंशनल इफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू 5 दे दिया, एंड पॉइजन रेशियो हमको दे दिया 0.5।
म्यू, ठीक है। द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वुड बी, तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2E सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, टू डायमेंशनल की बात कर रहा है क्योंकि ये, माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये दोनों बराबर है तो ये क्या हो गया बेसिकली 0.5 रखेंगे तो 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर एक कैंसिल हो गया तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ही, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 स्क्वायर अपॉन 2 यानी 12.5 अपॉन ई, तो करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन, फाइन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 16, ए वायर ऑफ 1, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ 1 mm डायमीटर इज वाउंड ए सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 1 मीटर डायमीटर, मतलब 1 मीटर की सर्कुलर शाफ्ट है उसके ऊपर 1 mm की डाया का वायर, जो वायर है उसको वाउंड करते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन वायर, अज्यूम नो अप्लाइड टेंसाइल पुल ऑन द वायर, मतलब कोई भी एक्सटर्नल पुल नहीं है वायर के अंदर, एंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 10^5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा जो बेंडिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है, एम अपॉन आई इक्वल टू एफ अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, इन दो स्टेप को ले लेते हैं, तो एफ इक्वल टू ई वाई अपॉन आर, ई 10^5 दे रखा है, वाई 1 mm दे रखा है, और आर जो है ये 1 मीटर डायमीटर है तो आधा यानी 0.5 मीटर रेडियस हो जाएगी, तो 0.5 मीटर को कन्वर्ट कर लिया 1000 mm, तो ये 200 Nm/mm² आ गया बेंडिंग स्ट्रेस, जो कि मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस है, राइट, एंड इट इज इक्वलेंट टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, एंड सेकेंड स्ट्रेस क्या है वो जीरो है, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा 200 - 0/2 यानी 100, ए ऑप्शन। ये थोड़ा सा देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब अगर जब तक आपको, क्योंकि नॉर्मली हम बेंडिंग स्ट्रेस और इस सब फंडामेंटल को जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सिंपल प्रिंसिपल स्ट्रेस का तो उस चीज़ को ध्यान नहीं रखते, बट लेकिन वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, सो तभी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो आप इसमें स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ओके। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, इन केस ऑफ प्लेन स्ट्रेस द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस एग्जर्टेड ऑन ए क्यूबिक एलिमेंट ऑफ मटीरियल इज क्वेश्चन मार्क ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एलिमेंट, इसने सिंपल ये पूछा है कि अगर एक क्यूबिक एलिमेंट है उसको मैंने एक सर्टेन पोजीशन पे रखा हुआ है तो जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है उसका जो सम आ रहा है, उसकी पोजीशन को मैंने चेंज कर दिया तब नॉर्मल स्ट्रेसेस का जो सम आ रहा है, तो वो क्या बराबर होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं कि नहीं करते, मतलब पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट होते कि नहीं होते, उसका करेक्ट आंसर है डिपेंडेंट नहीं होते, यानी इनडिपेंडेंट ऑन पोजीशंस ऑफ एलिमेंट क्यूबिक के केस में, है ना। जैसे मान लिया मैंने एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई स्ट्रेस, अनदर पर्टिकुलर पोजीशन पे सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश है, तो दोनों का समेशन बराबर होगा क्योंकि ये दे डू नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ क्यूबिकल एलिमेंट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एलिमेंट शुड बी क्यूबिकल, अगर वो रेक्टेंगुलर होगा तो केस डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। सो ये आज की क्लास ओवर हो गई, नेक्स्ट क्लास क्लास 9 के अंदर हम सॉम के ही कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, मैं आपको पहले ही बता दूंगा। एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ कि सॉम जो है काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट है, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए सिविल के अंदर जो सेकंड पेपर है जिसके अंदर सॉइल फ्लूइड मैकेनिक्स समहाउ सर्वे इरीगेशन इस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं उनमें आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, लेकिन सॉम हो गया थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है इसकी आप, बट इनकी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना, उनमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा, उसमें समझने वाली चीज़ें आएंगी कई सारी और उसमें बहुत सारे तरीके वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें फ्रीज्ड है। मैं आपको समझता हूँ जिन टॉपिक्स में से मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया अगर अभी ढंग से कर ले जाएंगे तो एग्जाम में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, ओके। सो ओके, थैंक यू।